हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हमारे एक नई गेम प्ले के साथ, जिसमें हम जा रहे हैं यहाँ पे स्वर्णी। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम डेली कस्टम्स करते हैं, तो लाइव करते हैं हमारे चैनल पर। तो अगर आपको भी वो कस्टम्स ज्वाइन करने हैं और खेलना है उन कस्टम्स में, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो और सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी वहाँ पर। तो इसी के साथ हम यहाँ पे आते हैं स्वर्णी में। तो यहाँ पे क्या होता है, मेरे टीममेट्स मुझे कॉल आउट देते हैं, ये जो झोपड़े हैं मेरे साथ, वो मुझे कॉल आउट देते हैं कि यहाँ पे 5 बंदे आए हैं। तो काफ़ी देर तक मुझसे यहाँ पे होल्ड करवाते हैं, ये बोल के कि सामने बंदा है, सामने बंदा है, सामने बंदा है। तो जब मैं देखता हूँ वहाँ पर जाकर काफ़ी टाइम होल्ड करने के बाद, तो वो एक बॉट होता है। अब जो गालियाँ पड़ी हैं ना मेरे टीममेट्स को, आप तो यहाँ पे वो सुन नहीं सकते, क्योंकि एंड्रॉयड डिवाइस में अगर रिकॉर्डिंग करते हो तो आप खुद की वॉइस उसमें नहीं आती है, तो इसकी वजह से चलो कोई बात नहीं, वो तो हम नहीं सुन पाओगे। तो अब यहाँ पे क्या होता है, वो दो बॉट को मार के मैं इधर आता हूँ। तो यहाँ पे मैं इस कंपाउंड के ऊपर जाता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, ये सामने वाली स्क्वाड लगाती है 15 केडी का दिमाग। तो ये क्या करते हैं, दो बंदे सड़क के ऑपोजिट साइड हमारे सामने होते हैं, वहाँ से वो फायर देते हैं, स्प्रे देते हैं। तो एक बंदा इनका इधर से कर रहा होता है, ये सोच रहे होते हैं कि हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन मुझे पता चल गया था पहले ही, क्योंकि मैंने इसको देख लिया था। तो ये यहाँ से यहाँ पर बहुत ही आसानी से मारा जाता है। तो यहाँ पे होता है मेरे साथ स्कैम, तो थोड़ा होता है ना, अगर आप नॉक कर दे तो किसी बंदे को उसके साथ, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो मैं इसके साथ थोड़ा सा खेल रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, इनका एक बंदा कर रहा होता है कैम, तो जिस कंपाउंड में से मैं अभी आया हूँ, वो बंदा वहीं पर होता है। तो जैसे ही मेरा टीममेट मुझे बताता है कि बंदा इधर है, तो वो मुझे नॉक कर देता है, क्योंकि मैं ओपन में खड़ा होता हूँ, मुझे तो पता नहीं होता। तो मैं थोड़ा यहाँ पे फ्री माइंड हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बंदे जो हैं वो हमारे ओपोजिट साइड में हैं, तो सड़क के दूसरी साइड बंदे हैं, ऐसा होता नहीं है यहाँ पे, ये देखो। तो आप गाइस, ऐसी कभी भी ऐसी गलती मत करना कि आपको, अगर आप लूट कर रहे हो तो ओपन में लूट कर रहे हो तो स्मोक करें, अगर आप कुछ भी फील कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो आप ट्राई करें कि आप कवर में किसी कंपाउंड में जाकर ही करें। तो मेरे जैसी बेवकूफ़ी यहाँ पे जो मैंने की, वैसी ना करें। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो एक ही बंदा इधर होता है, तो मेरे टीममेट्स उसे नॉक कर देते हैं और मुझे यहाँ पे सेव कर लेते हैं। तो टीममेट्स की वजह से मैं यहाँ पे बच जाता हूँ अभी। तो मुझे तो लगा था यहाँ पे अभी गया, क्योंकि वो फिनिश कर रहा था मुझे, तो लेकिन यहाँ पे बच जाता हूँ मैं। इसके बाद क्या होता है भाई, तो आप अभी देखोगे ना मेरे साथ, जो मैंने शायद लगभग 1 साल हो गया, हो चुका है मुझे गेम खेलते हुए, जो अभी स्कैम होगा ना भाई हमारे साथ, वो भाई मेरे साथ तो ऐसा कभी स्कैम नहीं हुआ, आप भी शायद पहली बार ही देख रहे होगे अभी। तो यहाँ पे क्या होता है, ये वाली स्क्वाड क्लोज इन कर लेती है, मुझे नॉक करती है, तो इनके सभी बंदे क्लोज इन कर लेते हैं। तो अभी देखना यहाँ पे होगा क्या, आप बस आप नोटिस करना, हमारे जो हमारा 2 नंबर प्लेयर है ना, आप बस उसकी हेल्थ को नोटिस करना, उसकी एचपी देखना बस। जब हम इस कंपाउंड में, सामने वाले कंपाउंड में पुश करेंगे ना, आप जब हमारे जो, मैं भी नॉक हो जाता हूँ, हमारा 3 नंबर भी नॉक हो जाता है, तो आप 2 नंबर की एचपी देखना, वो बचाता कैसे है हमारे, वो खुद कैसे बचता है मुझे तो यही नहीं पता चलता यहाँ पे। तो अभी आप देखना यहाँ पे क्या होता है। तो हम उनका एक बंदा नॉक करेंगे यहाँ पे अभी, जैसे ही वो उनका एक बंदा नॉक होता है, तो हम पुश करते हैं यहाँ पे। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं हम लोग, क्योंकि ये ओपोजिट टीम पे भाई बहुत प्रेशर होता है जब उनका एक या दो बंदे नॉक होते हैं। तो यहाँ पे ये बंदा यहाँ लेफ्ट साइड में छुपा था, क्योंकि मैंने देखा नहीं, तो ऐसे यहाँ पे नॉक हो गया दूसरा बंदा भी। अभी हमारे 2 नंबर की हेल्थ थे, ओ भाई साहब, भाई इसकी एच पी कहाँ है, मैं तो यही देख रहा था तेरी एच पी कहाँ है। मुझे इस बात की खुशी नहीं थी कि हम बच गए यहाँ पे, मैं तो यही पूछ रहा था तू कैसे बच गया यहाँ पे। तो जैसे भी कैसे हमें दोनों को यहाँ पे सेव कर लेता है। तो हम जोन से बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं हम, तो हमारे पास हेल्थ वगैरह कुछ होता नहीं है, तो फिर भी हम जोन में चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैं लेफ्ट साइड में देखता नहीं हूँ कि लेफ्ट साइड में कोई है, तो मैं इस पर फायर दे रहा था, तो
लेफ्ट से होता है हमारे पे पुश, तो हम दोनों को नॉक कर देते हैं, हमें हमने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया लेफ्ट साइड पर, तो फिर से दो नंबर जो हमारा टीममेट है फिर से मेरी जान तो वही बचाता है, तो हम दोनों को फिनिश किया उसने, मुझे रिवाइव कर दिया, लेकिन हमारा जो तीन नंबर टीममेट है वो यहाँ पे मर जाता है क्योंकि वो ब्लीड आउट बहुत ही जल्दी हो रहा होता है उसका, शायद से थर्ड या फोर्थ नॉक था ये, तो इसकी वजह से वो यहाँ पे मर जाता है। तो वो हमें गालियाँ भी देता है कि पहले मुझे रिवाइव करना चाहिए था ये वो, वैसे तो होता है ना जब भी टीम में, आपकी टीम में भी ऐसा होता होगा जब एक या दो बंदे नॉक होते हैं तो वो काफ़ी मतलब आपको गालियाँ वगैरह देते हैं, ये करो वो करो रिवाइव कर दो, तो ऐसा हमारे साथ भी होता है। तो मेरे पास हीलिंग नहीं थी तो मैंने यहाँ पे इन दोनों बंदों को लूट किया, तो उसके बाद यहाँ पे हेल्थ वगैरह मैंने फिल की अपनी, तो बूस्ट वगैरह किया। तो इसके बाद क्या होता है, जोन होता है हमारे ऊपर, तो इन्हीं कंपाउंड्स के कंपाउंड्स में जोन बन जाता है। तो मुझे पहले से पता होता है कि जोन में यही एक कंपाउंड है, तो यहीं पर बंदे हैं क्योंकि सभी को कवर चाहिए, सभी को कंपाउंड चाहिए लास्ट जोन से, तो मुझे पहले ही पता था कि बंदे आएंगे इधर, तो मैंने अपने टीममेट को बोला कि हम यहीं पर रहेंगे, तो यहीं पर सारे बंदे आएंगे, तो जैसे जैसे वो आएंगे हम उनको मारेंगे। तो यहाँ पर जाता है हमें आते हैं फुटस्टेप सामने वाले बानों से, तो मुझे लगता है कि हमने टीममेट को बताता हूँ कि फुटस्टेप आए हैं, तो सामने हमारे बंदा है, तो हम इन पर इस पर पुश करने की ट्राई करते हैं यहाँ पर। तो ये बंदा क्या करता है कि ये बान हाउस के दूसरी साइड कूदता है और रिज पे चला जाता है, क्योंकि ये डर जाता है यहाँ पे, तो क्योंकि ये सोलो ही बचा होता है, इसकी टीम में मर जाते हैं पहले ही, तो ये बंदा ऊपर रिज पे चला जाता है, तो वहाँ जाकर इसके साथ भी भाई स्कैम ही हुआ, क्योंकि हमसे बचकर ये ऊपर जाता है बचने के लिए, तो एक तो ये जोन से बाहर चला गया, तो दूसरा यहाँ पे क्या होता है किसी ऑफ स्पॉट ने इसको मारना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन ये उनसे बच जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं इसे मार देता हूँ जो तो ये सोलो ही था, तो इसको मारने के बाद यहाँ पे गाड़ी के पीछे एक और बंदा होता है, तो मुझे लगता है कि ये भी बंदा है वो भी, तो अभी यहाँ पे क्या होता है मुझे लगता है एक ही बंदा है, तो मैं तो सीधा ओपन में जा रहा था उसकी तरफ, लेकिन वो वहाँ से निकलता है मुझे स्प्रे करता है, अगर मैं क्राउच ना करता तो मेरा बचना मुश्किल था यहाँ पे, तो क्राउच की वजह से मैं बच गया यहाँ पे, तो उसका दूसरा टीम में से मुझे यहाँ पे सांप बना हुआ दिखाई देता है, तो इसको मैं नॉक करता हूँ, तो ये भी नॉक आउट होता है, तो हमें पता चलता है एक और बंदा है इनका, तो हम उसे ढूंढते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पेड़ आ जाता है, जैसे वो मुझे दिखाई देता है मैं स्प्रे देता हूँ, लेकिन बीच में पेड़ आ जाता है जिसकी वजह से किल नहीं मिलता है यहाँ पे मुझे, जो कि बहुत ही चाहिए होता है मुझे, तो मेरा टीममेट ये किल ले जाता है, चलो कोई बात नहीं। तो उसके बाद क्या होता है मुझे यहाँ पे मिलती है ओम, जो कि मेरी फेवरेट गन है, तो आप सभी को पता ही है, तो मुझे ओम मिलती है यहाँ पे, तो ओम मैं ओम उठाता हूँ, तो मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ कि चल हम कंपाउंड्स में चलते हैं फिर से, क्योंकि जोन कंपाउंड में ही बना हुआ है, तो जो बंदे बचे हैं तो सभी सभी यूजर ही आएंगे, तो हम यहाँ पे लूट वगैरह करते हैं नहीं, और हम फिर से चलते हैं यहाँ पे जोन में, तो जोन में जो एक ही कंपाउंड से, तो मेरे एक्सपीरियंस से लास्ट जोन में अगर कोई कंपाउंड्स है ना, तो लास्ट जोन उस कंपाउंड में ही बनेगा, जैसे जब से मैं गेम खेला हूँ जितना मैंने नोटिस किया है, आप भी कभी नोटिस करना, अगर आप लास्ट जोन है आपके पास तो उसके अंदर एक जोन एक कंपाउंड है एक ही घर है, तो आप नोटिस करना कि ज़्यादातर वो जोन 90% वो जोन उस घर में ही बनेगा, तो हमने यहाँ पे कंपाउंड होल्ड किया हुआ था, तो मैं बंदों को स्पॉट कर रहा था कि कहीं बंदा मिले मुझे, तो यहाँ पे क्या होता है एक बंदा तो मुझे दिखाई देता है जो कि सांप बना होता है, तो मेरे शॉट लेने से जस्ट एक सेकंड पहले वो गाड़ी के पीछे चला जाता है, शायद मैं उसे दिखाई देता हूँ नहीं देता हूँ वो तो मुझे पता नहीं है, जैसे ही मैं शॉट लेता हूँ वो गाड़ी के पीछे चला जाता है, तो जिसकी वजह से वो बच जाता है, तो यहाँ पे गाड़ी का टायर फोड़ देता है ताकि वो गाड़ी से जोन में ना आ पाए, तो जोन आप देख सकते हैं मैप में कि जोन भी हमारे ऊपर है, तो मैं काफ़ी देर तक इसे देखता रहा यहाँ पे, तो ये तो भाई ये तो ऐसे वहाँ पे बैठ गया ना जैसे इसको जोन का कोई है ही नहीं है, डर ही नहीं है जोन का, तो ये हिल ही नहीं रहा था वहाँ से,
डेथ है यार, वह लेफ्ट गया जैसे था मैं मेरा। इसको काफी टाइम से देख रहा था, तो मेरे टीममेट ने बोला तू आसपास देख ले, कोई और बंदा भी तेरे पास होगा मेरे राम ने छोड़ तो इसको छोड़ दे, दिया वो नहीं मार पाता है तुझे वहां से। मुझे। तो जैसे मैं इधर राइट में देखता हूँ, मुझे एक और सांप दिखाई देता है। तो आप इसका नाम पढ़ना, जैसे जिसको मैंने अभी हेड छोड़ दिया मेरा ना, भी तो बंदा, आप मेरा भी बंदा अगर मुझे नहीं पढ़ पाए हो नाम, तो पढ़ना पढ़ना थोड़ा पढ़ना रिमाइंड करना वीडियो को, पढ़ा नाम क्योंकि पढ़ना हो। मेरे तो अंदर मेरा था जो मेरे तीन नंबर ओरिजिनल टीममेट बंदा है था जो जहाँ मर चुका जाकर है, वो मुझे बार बार बोला था मेरा तुमने यार मैं उसका उसका नाम बंदा पढ़ा है था। नाम पढ़ा है, तो मैं मेरा ऐसे तो बंदा बोल नहीं देखा सकता है आपको, टिकट, नाम देखा तो आप नाम खुद ही देखा देखना उसका क्या नाम था। गरम तो फिर से सच्ची मैं गाड़ी वाले को देखता हूँ यहाँ सच्ची पे, टिकट वो चुप अब कर भी गाड़ी के पीछे ही है। आ गया तो देखा यहाँ मेरा पे जो दो नंबर टीममेट है वो मुझे कॉल आउट उसकी देता है कि मेरे जान तो पास जा चुकी बंदे हैं, गरम जल्दी गया इधर आ। आपको तो दो साठ तीन बार वो बोलता है सत्तर ऐसा, बार तो मैं उसके भीड़ पास भीड़ देख रहा यहाँ हूँ पे यहाँ से उसके पास जाऊँगा अभी। क्योंकि ये लभी छड़ी दिखा बंदा नंबर तो मेरा वॉचमैन यहाँ पे पहले क्या होता है, जैसे मैं उसकी तरफ जाता हूँ तो ये गाड़ी वाला तेरे बंदा पीछे भी तेरे पीछे ओपन में भाग मोड़ के आता है। उसको भाई तू स्मोक में या अगर तूने स्मोक वॉल बनाई है तो मार दे स्मोक के आ गया बीच आ में गया आ से गया। आ, क्या हाँ नोक कर था ये प्लेयर। आप मारो ना देखोगे मारो अभी स्मोक वॉल इसने वो बनाई, आ रहा है बंदा ये स्मोक कर स्मोक तो वॉल मारो वॉल के बाहर से आ रहा है, ये स्प्रे देखो दे ज्योति। ज्योति दिया इसने स्मोक क्यों किया ही क्यों है, जगह अगर आप तुम्हें ऐसे ओपन में ही आना है। तो यहाँ पे होते हैं 200 सांप, एक मेरा टीममेट मारता है और एक मैं मार देता हूँ यहाँ पे। तो इसी के साथ मेरा हमने काफी अच्छा एक चिकन डिनर निकाला यहाँ पे। तो आज के लिए पूरे बस सेम इतना ही, पंजाब में मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।